हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो मैं हूँ उदित और आपको वेलकम करता हूँ उदित द ब्लॉगर बॉय में। सो फ्रेंड्स, आज हम चंपानाथ मंदिर जाएंगे और मैं आपको इसकी पूरी नज़ारा दिखाऊंगा और उसके साथ आपको मैं बड़े बड़े कछुए और मछली और हंस भी दिखाऊंगा। सो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। सो जो भी गलती रहे प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा और आगे चल के देखते हैं क्या होता है और मैं उसकी पूरी नज़ारा दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम चंपानाथ मंदिर के बहुत ही करीब आ चुके हैं और ये जो आप एक रास्ता देख रहे हैं दोनों जलप्रपात एक दियोंझर और एक डाबरखोल ये दोनों जलप्रपातों के ओर जाता है। और अभी बारिश का मौसम है तो अब हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत ही घना जंगल है, उसके अंदर ही वो जलप्रपात है। जब सर्दी का मौसम आएगा तब हम जाएंगे क्योंकि न्यू ईयर होगा, तब उस टाइम में न्यू ईयर होगा, बहुत लोग आएंगे पिकनिक करने के लिए, तो तब हम जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये आप जो गेट देख रहे हैं ये चंपानाथ का गेट है, एंट्री गेट है। सो ये अभी ठीक से बना नहीं, उसको बनाने में बहुत ही टाइम लगेगा। और यहाँ से चंपानाथ मंदिर 50 मीटर की दूरी है। और ये देखिए, हम यहाँ पर एक चंपानाथ टेंपल, ये देखिए, और यहाँ हम चंपानाथ टेंपल के अंदर घुस गए। सो फ्रेंड्स, अब हम बाइक को पार्क करके अंदर जाएंगे और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे कि कैसा है। सो पहले हम गाड़ी पार्क कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चंपानाथ मंदिर का बाहर से अंदर का व्यू। सो फ्रेंड्स, ये चंपानाथ मंदिर का बड़ा सा तालाब है जहाँ पर कि 3 हंस रहते हैं और ढेर सारे कुर्म रहते हैं और हजारों हजारों मछली रहते हैं। और कुर्म का अर्थ है जो कछुए होते हैं उनका बड़ा साइज कुर्म है, जो कि भगवान विष्णु ने ग्रहण की थी, कुर्म अवतार ग्रहण की थी। और यहाँ पर एक बतख भी रहता है और यहाँ पर बहुत ही भक्त आते हैं, शिव जी के भक्त, और यहाँ पर उनको खाना देकर जाते हैं, कुर्म मछली और बतख हंस इनको खाना देकर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो महादेव का भक्त हैं जो कि इस मंदिर को आते हैं, वो महादेव से प्रसाद करके इनको प्रसाद देते हैं और जो पार्ले जी या तो फिर बहुत सारे बिस्किट्स देते हैं। और
ये भी उनको खा लेते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम भगवान से प्रसाद भोग करके और उनको पूजा करके आ गए। अब मैं आपको इसका पूरा नज़ारा दिखाता हूँ, इसके चारों ओर का नज़ारा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर शिव जी का छोटा छोटा मंदिर है, और ये जो आप ये वृक्ष देख रहे हैं, ये चंपानाग वृक्ष है। यहाँ पर चंपानाग का फूल होता है, यानी एक फूल फ्रेंड्स, जो ये आप कि देख सकते सांप का हैं कि ये स्ट्रक्चर होता है, और नागचंपा उसके वृक्ष अंदर है। छोटा सा शिवलिंग जैसा होता है, और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चंपानाग का पुष्प है, पर ये सांप का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आप है देख सकते हैं ये छोटा सा शिवलिंग। देख सकते हैं, सो फ्रेंड्स, इस वृक्ष को और ये कोई भी लोग नाग है, अपने घर में नहीं रखते, ये क्योंकि हमारा नहीं मान्य लगाते हैं, और इसके पुष्प को नहीं रखते हैं, क्योंकि इसको लगाने से या फिर पुष्प को रखने से सांप आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं, ये छोटे छोटे मंदिर को दिखाऊंगा। सो ये गणेश जी के मंदिर है, और बाकी सब महादेव के मंदिर है। सो देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं, यहाँ पर सब सांप ही रखे हैं, छोटे छोटे, या तो फिर कुछ मंदिर में बड़े बड़े सांप भी रखे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और बाजू में बेल आइकन में ऑल सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उस पर जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।